Welcome back to the YouTube channel of Srimati R.S. Kaladia Primary School. Today we are going to continue our chapter number 9, halves and quarter. So I have drawn some figures or shapes on my board and I will tell you how it is pronounced and how it is written numerically. यानि कि मैंने ये figures अच्छे से ड्रॉ कर लिए हैं ब्लैक बोर्ड पे हमारे और मैं अब आपको बताऊंगी कि इन्हें वर्ड वाइज कैसे बोला जाता है और उसे न्यूमेरिकली यानी कि नंबर में ये कैसे लिखा जाता है. ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट. यहाँ पर एक हेक्सागोन शेप है, हियर इज एन हेक्सागोन शेप. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी द फर्स्ट शेप. Now, how, in this hexagon shape, how many parts are there? इस hexagon shape में कितने parts हैं? So, 1, 2, 3 और 4. So, this hexagon shape is divided into 4 parts. ये hexagon shape 4 parts में divided है. ठीक है? और कितने parts को shade किया गया है? यानि कि how many parts are shaded in this hexagon shape. So here two parts are shaded. यहाँ पर दो part जो है वो shaded है हमारे hexagon shape में. So we can say the half of the hexagon is shaded. आप देख पा रहे हो two parts जो है वो empty है और two parts जो है वो shaded है. तो इसका मतलब ये है कि ये half है. ओके, तो हम यहाँ पर इसे ऐसे लिखेंगे half. और हाफ को न्यूमेरिकली कैसे बताया जाता है? 1/2 के तरह लिखकर उसे बताया जाता है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज क्वार्टर. एज आई एक्सप्लेन यू, यहाँ पर हेक्सागन है और उसके फोर पार्ट्स हैं. कितने पार्ट्स हैं? फोर, 1, 2, 3 एंड 4. और कौन से पार्ट को लिया गया है? सिर्फ एक पार्ट को. सो अगर ये एक पार्ट को हमें बताना है कि ये क्या है, तो ये एक पार्ट है 1/4 यानी कि क्वार्टर. ये वाला पार्ट है क्वार्टर यानी कि 1/4. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज अ हेक्सागन अगेन और उसे पूरा का पूरा शेड किया गया है. तो हम इस तरह से बता सकते हैं कि ये एक वॉल है. ठीक है, ऐसे उसे कैसे बोलना है? वॉल. और उसे इस तरह से लिखा गया है 4/4 या फिर आप इसे सिंपली 1 लिख सकते हैं या 1. ठीक है, सो वॉल का मतलब 4/4. ये पार्ट्स का अगर देखो तो 4/4 या 1, अगर इस तरह से एक हमें वॉल दिया गया होता और उसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पार्ट्स होते. ठीक है, 8 पार्ट्स होते और 8 पार्ट्स में कलर किया गया होता. तो हम इस तरह से भी लिख सकते थे 8/8 यानी कि 8 पार्ट्स है और 8 पार्ट्स में कलर किया गया है. ठीक है, तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो. मैंने 4/4 वॉल में इसलिए लिखा है क्योंकि इस वॉल में 4 पार्ट्स है और चारों पार्ट्स को शेड किया गया है. दिस फिगर हेक्सागन हैज ऑलरेडी 4 पार्ट्स एंड ऑल द 4 पार्ट्स आर बीन शेडेड. सो आई एम राइटिंग 4/4. ठीक है, या फिर आप उसे वॉल को 1 से डिनोट कर सकते हैं. ठीक है, तो ये समझ में आ गया, ये हाफ, ये क्वार्टर और ये वॉल. नाउ लास्ट इज 3/4. ओके, 3/4. सो या हम एक और वर्ड है इसके लिए 3/4 भी बोल सकते हैं, बट यू हैव टू लर्न 3/4. 3/4 का मतलब ये 4 पार्ट में हेक्सागन को डिवाइड किया जाए और उसके 3 पार्ट्स में शेड किया जाए. ठीक है, और इसे इस तरह से लिखा जाता है 3/4 या 3/4. सो नाउ वंस अगेन वी विल रिवाइज. दिस इज हाफ बिकॉज इट इज शेडेड हाफ. दिस इज क्वार्टर बिकॉज आउट ऑफ 4 पार्ट्स 1 पार्ट इज शेडेड. ओके, एंड दिस इज वॉल बिकॉज आउट ऑफ 4 पार्ट्स ऑल द 4 पार्ट्स आर बीन शेडेड. एंड दिस इज 3/4 और 3/4 बिकॉज आउट ऑफ 4 पार्ट्स 3 पार्ट्स आर बीन शेडेड. ठीक है, सो ये हाफ यानी कि 1/2 क्योंकि ये आधा है, ये 4 में से सिर्फ एक पीस है या पार्ट है, तो
तो ये है 1/4 या क्वार्टर, ये है वोल्ट क्योंकि ये पूरा का पूरा है और इसे 1 से डिनोट भी कर सकते हैं, और ये 3/4 है क्योंकि इसके 4 पार्ट में से 3 पार्ट में शेड किया गया है, 3/4। ओके स्टूडेंट्स, मेक द अदर हाफ, यानी कि हमें हमारी बुक में 4 फिगर्स दिए गए हैं और हमें वो इनकम्प्लीट है तो उन्हें कंप्लीट करना है। वी हैव टू कंप्लीट द पिक्चर्स गिवन इन अवर बुक। ओके, सो आई हैव टेकन जस्ट 2 पिक्चर्स, आई होप यू विल फिनिश ऑल द 4 बाय योर सेल्फ बिकॉज इट इज़ क्वाइट ईजी, सिर्फ आपको ड्राइंग ही करना है। तो ये फ्लावर का पिक्चर है जो मैं कंप्लीट कर रही हूँ, ठीक है, इस तरह से मैंने कंप्लीट कर दिया। नाउ ये बटरफ्लाई है क्योंकि मैं इसे कंप्लीट कर रही हूँ। सो ये बटरफ्लाई का पिक्चर भी कंप्लीट हो गया। तो अभी आपकी बुक में 2 और पिक्चर्स दिए गए हैं, एक सन है और एक एंट है, तो आप उसे कंप्लीट कर लो अपनी बुक में, ठीक है। नाउ ऑन पेज नंबर 103 वी आर गिवन हाफ एंड क्वार्टर्स ऑफ अ मीटर, यानी कि अब हमें मेजरमेंट का यूज़ करके हाफ और क्वार्टर स्टडी करना है। वी हैव टू यूज़ द मेजरिंग units and we have to study what is a half and a quarter. So first of all, let us see what it is written in our book. Using your meter scale, cut a string of 1 meter. सबसे पहले आपको वो measuring scale होती है ना, उसका use करना है और एक string को cut करना है। String मतलब दोरी, धागा, जो भी आप बोलते हो। आपने पिक्चर देख रहे हो, वहाँ पर एक लड़की है, वो एक स्केल का यूज़ करके स्ट्रिंग, यानी कि ऐसे डोरी जो बोलते हैं गुजराती में, उसको कट कर रही है। ऑन दिस स्ट्रिंग मार्क द लेंथ ऑफ 1/2 मीटर, 1/4 मीटर एंड 3/4 मीटर। यूजिंग योर स्ट्रिंग ड्रॉ अ लाइन ऑफ लेंथ ऑफ 1.5 मीटर 1/2 मीटर ऑन द फ्लोर। हाउ मेनी सेंटीमीटर्स लॉन्ग इज द लाइन। नाउ रिमेंबर 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले एक स्केल लेनी है और उसके ऊपर ऐसी स्ट्रिंग रखनी है, ठीक है। आपको स्केल लेनी है और फिर उस पर ऐसी इस तरह से स्ट्रिंग रखनी है, ठीक है, ये स्ट्रिंग है, और उसे कट करनी है। वहाँ पर आपको 1/4 और 3/4 को मार्क करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर 0 से स्टार्ट होती हो स्केल, तो और यहाँ पर 100 पे ख़त्म होती हो, आपको रिमेंबर करना है 1 मीटर इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो आपको वो स्ट्रिंग 1 मीटर की बनानी है, आपको वो स्ट्रिंग 1 मीटर की बनानी है। 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर होता है, तो आपको 100 सेंटीमीटर पहले स्केल में लेना है, ठीक है। यू हैव टू टेक द 100 सेंटीमीटर लेंथ ऑन द स्केल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं 0 से, क्योंकि इसका पॉइंट स्टार्टिंग वो हम 0 पर रखेंगे, और फिर हम कहाँ पर 1/4 मार्क करेंगे, हम 1/4 25 सेंटीमीटर पे मार्क करेंगे, ठीक है। 25 सेंटीमीटर पे 1/4 मार्क करेंगे, फिर हाफ कहाँ पर मार्क करेंगे, हाफ हम यहाँ पर मार्क करेंगे 50 सेंटीमीटर पे, ठीक है, और 3/4 75 सेंटीमीटर पे 3/4, और 1/2 यहाँ पर बीच में, और 3/4 यहाँ पर, और ये 100 है वो उसका लास्ट है, ठीक है। आपको समझ में आ गया, लेट मी एक्सप्लेन यू वंस अगेन। मैंने ये रफली स्केल ड्रॉ की है, आपको सिर्फ क्या करना है, आपको स्ट्रिंग लेनी है और वो 100 सेंटीमीटर तक आपको उसकी लेंथ रखनी है, यानी कि 1 मीटर की स्ट्रिंग आपको लेनी है और उस पर 1/2 यानी कि हाफ, और 1/4 यानी कि क्वार्टर, और 3/4 यानी कि 3/4 आपको मार्क करना है। मैं आपको वापस बता रही हूँ, सपोज 1 मीटर तो इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ये आप याद रख लो, और हम 1 मीटर की ये स्ट्रिंग लेने वाले हैं,
तो मैं अच्छे से इस तरह से स्केल को ड्रॉ करके आपको बताती हूँ। आई एम शोइंग यू द स्केल। अभी आपने आपको क्या करना है, पहले ये यहाँ पर पॉइंट है 0 और यहाँ पर पॉइंट है 100 का, ठीक है, सेंटीमीटर में है, ये सब सेंटीमीटर स्केल है, ठीक है, ये सेंटीमीटर स्केल है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर हाफ यानी कि 1/2, 1/4 और 3/4 को मार्क करना है। तो जहाँ पर 25 सेंटीमीटर हो, आप याद रखिए, जहाँ पर 25 सेंटीमीटर हो वहाँ पर आपका 1/4 आएगा, ठीक है, जहाँ 25 होगा वहाँ पर 1/4 आएगा, और जहाँ पर 50 सेंटीमीटर हो वहाँ पर 1/2 यानी कि हाफ आएगा, और जहाँ पर 75 सेंटीमीटर हो वहाँ पर 3/4 आएगा, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, ये जो स्केल है वो अच्छे से आपको याद रखनी है कि किस तरह से हम एक 1/4, 1/2, 3/4 का यूज़ करके स्केल बनाते हैं या स्ट्रिंग को मार्क करते हैं, ठीक है। तो अभी ये जो स्केल है मैंने आपको स्केल के रूप में बताया है क्योंकि आपके लिए ये अच्छे से स्टडी करना हो, लेकिन आपको स्ट्रिंग बनानी है, ठीक है। अभी हमारी बुक में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, नाउ लेट अस आंसर। सो 1/2 इज इक्वल टू डैश सेंटीमीटर, सो 1/2 कितने सेंटीमीटर होगा वहाँ पर, तो फर्स्ट आंसर इज 50। नाउ 1/4 इज इक्वल टू डैश सेंटीमीटर, तो हमें पता है 1/4 इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड 3/4 इज इक्वल टू 75 सेंटीमीटर। कैन यू सी दैट व्हेन वी ऐड 1/2 एंड 1/4 वी गेट 3/4, यानी कि जब आपने 1/4 और 1/2 को ऐड किया तो आपको 3/4 मिला, ठीक है, आपको क्या मिला, आपको मिला 3/4, ठीक है। तो फिर सबसे पहले तो आप यही स्टडी कर लो कि 25 मतलब 1/4, आउट ऑफ 100 की बात कर रही हूँ, 25 मतलब 1/4, फिर 50 मतलब 1/2, 75 मतलब 3/4 एंड 100 मीन्स 1 full whole, ठीक है। तो अब ये आपको अच्छे से याद रह जाना चाहिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी 1/4, 1/2 एंड 3/4, ठीक है। तो अब हम इसकी एडिशन को लर्न करेंगे कि एडिशन कैसे किया जाता है। सो व्हेन वी ऐड 1/4 प्लस 1/2, 1/4 और 1/2 का एडिशन करो तो आपको मिलता है 3/4। प्लीज़ ये अच्छे से आप अपने दिमाग में बिठा लो, प्लीज़ लर्न इट बाय हार्ट, इज वेरी इंपॉर्टेंट। 1/4 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 3/4, ये आपको याद रखना है, जैसे कि आप फॉर्मूला याद रखते हो ना ऐसे ही, वो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको याद रखना है। नाउ नेक्स्ट इज 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1, ये भी आपको याद रखना है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। नाउ 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 1, ये भी आपको याद रखना है। ये तीन चीज़ें आप अच्छे से याद कर लो, ठीक है, कि 1/4 को यानी कि क्वार्टर को हाफ से ऐड करो, हाफ और क्वार्टर को साथ में ऐड करो तो हमें मिलता है 3/4, यानी कि 3/4 ऑफ द क्वार्टर, ओके। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सारी तीन चीज़ें वो आपको अच्छे से बाय हार्ट करनी है। प्लीज़ लर्न दिस 3 थिंग्स इन ऑफ दिस चैप्टर बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, और आपको ये आगे भी यूज़फुल होगी, ये सारी चीज़ें जो है, ये तीन चीज़ें वो आपको यूज़फुल होगी, और ये स्केल भी आपको बाय हार्ट करना है, ये आपको बाय हार्ट करना है क्योंकि ये भी आपको यूज़फुल होगा लॉजिकली भी और मैथ्स में भी, ठीक है। सो प्लीज़ बाय हार्ट दिस थिंग्स। शेयरिंग मिल्क, दिस बॉटल इज़ फुल ऑफ मिल्क एंड इट होल्ड्स 1 liter, ये जो बॉटल है ना वो फुल ऑफ मिल्क है, और वो कितने इसमें कितना मिल्क है, 1 liter का, और ये बॉटल ही 1 liter की है। सो दिस मिल्क इज पुट इन 4 अदर बॉटल सो दैट ईच बॉटल हैज़ 1/4 liter ऑफ मिल्क, शेड द बॉटल टू शो द लेवल ऑफ मिल्क इन ईच। अभी ये हमारी 1 liter की बॉटल है मिल्क की, ठीक है, तो ये फुल है, इनके पूरी भरी हुई है,
तो अभी हमें यहाँ पर ये चार बॉटल्स जो दी गई है वहाँ पर मिल्क को पोर करना है। कैसे कि हर एक बॉटल में 1/4 ml 1/4 मिल्क यानी कि उसका फोर्थ पार्ट, ये मिल्क के चार पार्ट्स हो जाए उस तरह से हमें पोर करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना 1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/4 = 1, मैंने आपको बताया था ना, तो ये चार बॉटल है ना, यानी कि इसका मतलब ये हुआ 1 = 1/4 + 1/4 + 1/4। चार बार 1/4 मीन्स 1, यानी कि ये लीटर की बोतल को हमें यहाँ पर पोर करना है कि वो सभी चारों बोतल में एक जितना ही मिल्क रहे। तो सबसे पहले हम ये स्टडी करते हैं 1 L = 1000 ml। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, मार्किंग करते हैं। पहले 0 आएगा, उसके बाद 250 आएगा, जैसे कि वहाँ पर 25 आ रहा था, फिर यहाँ पर आएगा 500 यानी कि हाफ लीटर, फिर यहाँ पर आएगा 750 यानी कि 1/4, और ये आएगा 1/4 यानी कि आई एम डूइंग इट वन सेकेंड, ये हमारा आएगा 0, ठीक है, ये 0 है, फिर ये 250 है, फिर यहाँ पर मार्किंग की गई है 500 की यानी कि हाफ द बॉटल, और यहाँ पर 750 ml यानी कि 3/4, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ 250 का मतलब है 1/4, 500 का मतलब है 1/2, और 750 का मतलब है 3/4, और ये 1000 लीटर है, यहाँ पर पूरी बॉटल फिल हो जाएगी। तो हमें इन सारी बॉटल्स को 1/4 फिल करना है, तो हम 250 तक फिल करेंगे, ठीक है। 250 का मतलब 1/4 होता है ना, तो ये सारी बॉटल्स को हमने 250 तक फिल किया, ठीक है, 250 तक फिल किया। ओके, सो हो गई ये 250 तक सारी बॉटल्स फिल। यहाँ पर मैंने मार्किंग की थी, मैं वापस आपको ये मार्किंग यहाँ पर करके बता रही हूँ, 1000 यानी कि 1000 ml, यहाँ पर 750 ml, यहाँ पर 500 ml, और यहाँ पर 250 ml। इसका मतलब है 1 L यानी कि 1, इसका मतलब है 3/4, इसका मतलब है 1/2, और इसका मतलब है 1/4, ठीक है। आप ये स्टडी कर लो, ये आपको स्टडी करना है, आपको लर्न करना है, ठीक है। नाउ व्हाट आर द क्वेश्चंस, हाउ मेनी मिलीलीटर्स ऑफ मिल्क डज ईच बॉटल हैव। सो यहाँ पर पूछा गया कि हर एक बॉटल के पास कितना ml मिल्क है, तो ऑब्वियसली 250 ml ऑफ मिल्क ईच बॉटल हैव। शान पोर्ड 1 L ऑफ मिल्क इंटू 2 bottles सो दैट द फर्स्ट बॉटल होल्ड्स 3/4 L एंड द अदर होल्ड्स 1/4 L। शेड द लेवल ऑफ मिल्क इन ईच बॉटल एंड हाउ मेनी मिलीलीटर्स ऑफ मिल्क डज ईच बॉटल होल्ड्स। यानी कि शान के पास 1 L मिल्क था, ठीक है, 1 L का मिल्क था उसके पास, और उसने 2 bottles ली। एक बॉटल में 3/4 मिल्क को पोर किया और दूसरी बॉटल में 1/4 मिल्क को पोर किया। जैसे मैंने आपको सिखाया था ना, 1 = 3/4 + 1/4, ठीक है, 3/4 + 1/4 = 1, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो शान ने क्या किया, 1 L मिल्क था उसके पास, तो उसने एक बॉटल में 3/4 भरा और एक बॉटल में 1/4 भरा। 3/4 का मतलब होता है 750 ml और 1/4 का मतलब होता है 250 ml, ठीक है। अगर 250 और 750 को ऐड करो तो 1000 ml होता है यानी कि 1 L, ठीक है, 1000 ml होता है यानी कि 1 L। तो शान ने 2 bottles ली इस तरह से। दो बॉटल्स थी, ये पहली वाली बॉटल है, ये दूसरी वाली बॉटल है, ये 2 bottles है, ठीक है। और शान ने क्या किया, शान ने 2 bottles में, एक बॉटल में कितना ml मिल्क उसने पोर किया, 1 L तो टोटल था शान के पास, 1 L टोटल मिल्क था,
एक लीटर का मतलब 1000 मिलीलीटर, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, ओके ये आपको पता है 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। तो शान ने 1000 मिलीलीटर में से थ्री फोर्थ कितना था 750। तो मैं यहाँ पर पहले मार्किंग कर लेती हूँ, 0, 250, 500, 750 एंड 1000, ये मैंने मार्किंग कर लिया है, ठीक है ये मार्किंग मैंने कर लिया है। अभी शान ने क्या किया, शान ने पहले थ्री फोर्थ वाले मिल्क को इस मॉडल में डाला और 1/4 मिल्क को इस मॉडल में डाला। तो 3/4 का मतलब क्या है 750 ml। तो उसने पहला यहाँ तक भरी बोतल, ठीक है पहली बोतल यहाँ तक भरी और दूसरी बोतल में उसने क्या किया 1/4 डाला। तो 1/4 का मतलब क्या है 250, तो यहाँ तक उसने डाला, ठीक है तो ये दो बोतल उसने इस तरह से भरी। हमें बस यही ड्रॉ करना है बुक में, ओके सो 3/4 का मतलब आपको ये लर्न करना है, ठीक है 3/4 का मतलब होता है 75 या 750 जो भी यूनिट हो वो, और 1/4 का मतलब है 250 या 25, ठीक है। मैंने जैसे आपको बोला था ना किसी भी चीज़ का परसेंटेज में अगर निकालो ना ये 3/4 और ये सब, तो आपका क्या आएगा मैं आपको बताती हूँ। अगर परसेंटेज वाइज निकालो तो परसेंटेज कितने होते हैं, परसेंटेज 100 में से होते हैं, 100 में से, ठीक है परसेंटेज होते हैं 100 में से। तो अगर कोई ऐसा बोले कि भाई इसको 3/4 परसेंटेज आए हैं या 3/4 परसेंटेज आए तो कितने परसेंटेज हो गए आउट ऑफ 100, 75%। कोई इससे बोले कि इसे सिर्फ क्वार्टर परसेंटेज आए हैं 100 में से तो कितने परसेंटेज हो गए 25। कोई अगर बोले कि उसको सिर्फ हाफ परसेंटेज ही आए तो कितने होंगे 50। तो ये प्लीज़ आप अच्छे से रट लेना, ये लर्न कर लेना, ठीक है बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ लर्न दिस।